गाइस देखे जी, मेरी चाय बड़ी मुश्किल से बनाई है। चाय हो चुकी है तैयार, नाश्ता हो, इसी का ही नाश्ता कर लेंगे। चाय बन चुकी है, अस्सलाम वालेकुम। हाय माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। मैं अब मेरी तबीयत पहले से कुछ बेहतर है, कुछ बेहतर है। तो मैं कुछ बाहर निकल नहीं रही, जिसके लिए कुछ सामान लाने वाला था और कुछ खाने पीने के लिए चीज़ें। और दूसरी मेन बात यह है कि मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी कि मेरे पास सिलेंडर नहीं है। और तकरीबन जो है ना, ये सिलेंडर, ये देख लें, और ये बटन मैंने फुल छोड़ा हुआ है, तो ये गैस आ रही है। तो इसमें बंदा क्या खाए पकाए और क्या नहीं। लेकिन इसी गैस पे मैंने ढाप के तो जो है ना वो बनानी है चाय। तो अब इसमें चीनी पत्ती मैंने डाल दी है, दूध भी लेके आई हूँ। तो क्या कर सकते हैं अब देखें, इतनी गैस में चाय तो नहीं ना बन सकती। और ये घर माशाल्लाह लोगों ने ऐसे बनाए हैं कि बंदा लकड़ियों भी नहीं जला सकता, कि लकड़ियाँ जला के तो चाय वगैरह बना दें। या अगर हम किसी कहीं भी बैठ के अगर लकड़ियाँ वगैरह जलाते हैं ना, तो धुआँ जो है ना वो पूरे घर में फैल जाएगा। तो फिलहाल कोशिश करते हैं कि अगर इसी चाय गैस में जो है ना वो हमारी चाय बन जाए। इसमें मैंने चीनी पत्ती डाल दी है, और क्या कर सकते हैं गाइस, हमारे लिए सिर्फ दुआ ही कर दिया करें कि कुछ कुछ हालात चेंज हो जाए हमारे। चलें जब बनाते हैं हम चाय, कि हमारी जो है ना चाय बन जाए सही। गाइस इसी तरह मैंने इसे चाय को ना टक 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 के जो है ना वो बनाई है चाय। तो इसमें इंसान जो है ना वो खाना वगैरह किस तरह बनाए। इसको हम दोबारा फिर थोड़ा सा ढक के टक टक देंगे, क्योंकि जो है ना पत्ती का थोड़ा सा रंग निकल आए। और अगर गैस ना आए तो कितनी मुश्किल हो जाती है खाना बनाना, चाय बन नहीं रही तो खाना क्या बनाएं। अगर मज़ीद सर्दी पड़नी है तो जो है ना गैस वो बिल्कुल नहीं मिलने, और सिलेंडर या लकड़ियाँ ही जलानी पड़ेंगी। गाइस देखे जी, मेरी चाय बड़ी मुश्किल से बनाई है। चाय हो चुकी है तैयार, नाश्ता हो, इसी का ही नाश्ता कर लेंगे। चाय बन चुकी है।